अच्छा लगा उसका काम, अमृता राव सबका काम अच्छा था, लेकिन कंटिन्यू अभी आगे मालूम पड़ेगा। जी की जो बायोपिक बनाई है आपको लगता है कि सही बनाया है? सही बनाया है। अच्छा, और अमृता राव के बारे में उसका भी रोल अच्छा था। कोई गाना पसंद है आपको? गाना था ही नहीं। कितने स्टार देंगे? हाँ कितने स्टार देंगे? पाँच स्टार दे दूंगा। बहुत अच्छी अच्छी लगी, बस थोड़ी बोरिंग थी पर अच्छी लगी। हाँ वो भी बहुत अच्छे लगे, और बाकी मुझे थोड़ा गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप लगा, लेकिन इट वॉज हाँ इट वॉज वेरी डिसेंट लुक एंड दैट वॉज सो अमेजिंग, आई लाइक। क्यों ये ठाकरे जी को जो बायोपिक बनाने की कोशिश की वो बेस्ट बना पाए या कुछ कमी रह गई आपके अनुसार? मैं ज़्यादा ठाकरे जी को जानती नहीं हूँ, पर हाँ मुझे नवाजुद्दीन अच्छी लगी। ओके कितने स्टार दोगे आप? 3.5। थैंक यू। कैसी लगी फिल्म ठाकरे आपको? चांगली होती, चांगली पिक्चर है, लोकान आवड़ी पिक्चर, लोक आकर्षित होती या पिक्चर बगुन। आने का मुंबई में लोकान्ड रोजगार धंदा जो भेटत नहीं तो या मार्गाद्वारे भेटला पाहिजे, हा संदेश होता लोकांपर्यंत पोहोचवायचा। चांगली पिक्चर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनका काम ठाकरे के रूप में कैसा लगा? चांगला है। अमृता राव योग्य है। अच्छा एक बात, क्योंकि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं इसलिए जानना चाहेंगे कि ठाकरे जी की जो बायोपिक बनाने की कोशिश की गई है आपको लगता है कि सक्सेस रहे हैं या कुछ कमियाँ रह गई हैं आपके अनुसार? नहीं नहीं सक्सेस है। सक्सेस रह गए। कितने स्टार देंगे आप? 5 स्टार। आप लोग अच्छी मूवी थी, हम तो वेटिंग कर रहे थे पिक्चर का तब से। ओके तो आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो। फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुपर है, मेरे फेवरेट हो गया अभी वो। सही था, अच्छा था। अमृता राव बहुत अच्छा गया, बहुत टाइम बाद देखा तो भी जो संभाला 5 मिनट थे वो बेस्ट था जब वो जेल में गए थे। आपको लगता है कि जो ठाकरे जी की बायोपिक बनाने में डायरेक्टर सक्सेस रहे हैं? यस होंगे ऑब्वियसली। सही सही बनाया, हूबहू हमें दिखाया उनको स्क्रीन पे। कितने स्टार देंगे आप? 10 देंगे हम तो। हम 10 देंगे। कैसी लगी सर फिल्म आपको? खूबच चांगला होता, खूबच चांगला मूवी, खूब मजा आली बघायला, मूवी एक्सेलेंट आहे। काय त्यात हे नाही म्हणजे असं कुठलं असं वाटलं नाही की साहेबांची ऍक्टिंग पण आवाज मी सिद्दीकीने एकदम भारी केली, एक्सेलेंट ऍक्टिंग केली, खूप मजा आली बघायला। जसं म्हणजे पहिल्याचं तर आम्हाला माहिती नव्हतं कसं आहे, पण या पिक्चरमुळे माहिती पडलं की हां त्यांनी असं असं केलेलं आहे। ओके नवाजुद्दीन का काम कसा लगा? नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक नंबर, खूप छान ऍक्टिंग करतात ते। किकच्या किक मूवीपासून मला ते खूप आवडतात आणि आज तर भरपूरच त्यांनी सगळे रोल केले, असा एक साहेबांचा पण रोल केले तर मस्त वाटलं। म्हणजे पिक्चर लिहिण्यात सगळे रोल असतात, हिरो पासून विलन पर्यंतचे, तसं एक आमच्या साहेबांचा। ठाकरे की बायोपिक बनाने में सक्सेस रहे हैं डायरेक्टर? यस रहे, सक्सेस रहे और टू बी कंटिन्यू, और आगे भी मजा आएगा, मजा आएगा। कितने स्टार देंगे? 5 में से 5 पूरा। थैंक यू जी। ठाकरे मूवी मैंने देखी, ठाकरे मूवी देखी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी है। 5/5 मैं देना चाहूँगा इसके लिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग के बारे में? नवाजुद्दीन सिद्दीकी माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा उन्होंने एक्टिंग की है, वो बायोपिक स्पेशलिस्ट बन गए, बहुत अच्छा लगा उनका जो उन्होंने रोल किया बाला साहब। अमृता राव वो भी बेटर थी, वो भी उन्होंने भी अच्छा माँ साहब का रोल किया, बहुत अच्छा लगा वो। आपको लगता है कि एज एन ह्यूमन बींग ठाकरे जी की बायोपिक बनाने में सक्सेस रहे हैं डायरेक्टर? ऑफकोर्स ऐसे बायोपिक बनाने चाहिए, इससे क्या लोगों को मालूम पड़ता है कि लीडर्स कैसे थे कैसे है। वरना हिस्ट्री देखे तो कोई ठाकरे जी के बारे में ज़्यादा कोई पता होता नहीं लोगों को, यूथ को स्पेशली, तो ये बायोपिक बहुत अच्छा मैसेज देगा, बहुत अच्छा है। कितने स्टार देंगे? 5/5।